स्विच दूंगा आपको प्रेस करने के लिए। लिमिट होता है ना ये डोर के ऊपर, अच्छा जो प्रेस होता है तो डोर लॉक है, अदरवाइज अनलॉक है। अच्छा ये आपकी पावर सप्लाई की पीसीबी है, आपको जो है इसमें देखो चार डायोड लगे हुए हैं, चार डायोड का आपका ब्रिज रेक्टिफायर बनता है। सही, ब्रिज रेक्टिफायर आपका क्या करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। सही है, यहाँ से आपका क्या हुआ, यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर लगेगा जो 12 वोल्ट एसी को डीसी में कन्वर्ट करेगा। सही लगेगा। हाँ लगेगा, अदरवाइज मैं आपको एडाप्टर दूंगा, अभी ट्रांसफार्मर नहीं दूंगा इसमें। सही है, अब क्या होगा, वो एसी को डीसी में कन्वर्ट करेगा। सही है, एसी में डीसी, एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के बाद आपको जो है 8 वोल्ट इस आरडीओ के लिए चाहिए थे। सही है, 5 वोल्ट एलसीडी के लिए चाहिए थे, इसके अलावा 12 वोल्ट की सप्लाई आपको 30 रिले का ऑपरेट कराने के लिए चाहिए थी। सही है, मतलब आपको तीन सप्लाई चाहिए थी, 12 वोल्ट, 5 वोल्ट और 8 वोल्ट। तो आपने क्या किया, पीछे एक 12 वोल्ट का ट्रांसफार्मर लगाया। सही है, 12 वोल्ट के ट्रांसफार्मर से आपको क्या हुआ कि ब्रिज से गुजरने के बाद वो क्या हुआ, 12 वोल्ट डीसी मिल गया आपको। सही है, 12 वोल्ट डीसी मिल गया, यानी आपके पास एक सप्लाई तो आ गई 12 वोल्ट डीसी। सही है, अब आपको क्या चाहिए थी, 8 वोल्ट की और 5 वोल्ट की। सही है, तो आपने क्या किया कि एक रेगुलेटर लगाया 7805। सही है, 7805 मतलब कि ये 5 वोल्ट आउट देता है, इसके इन पे 12, हाँ 7 से 12 तक आते हैं तो ये 5 वोल्ट आउट देता है। सही है, इसने 5 वोल्ट आउट दिए, वो 5 वोल्ट हमने क्या किया, एलसीडी को दे दिए। सही है, ये एलसीडी के ऊपर जा रहे हैं आपके। सही, इसके बाद आगे हमने एक और रेगुलेटर लगाया हुआ है 7808। सही है, उसने क्या किया, 8 वोल्ट हमें आउट दिए। अच्छा सही, वो 8 वोल्ट निकल के आपके ये आर्डिनो के ऊपर जा रहे हैं। सही है, आर्डिनो की पावर। सही है, अच्छा ये तो था आपका पावर सप्लाई का। सही है, अच्छा ये 1000 UF का कैप्सटर लगा हुआ है फिल्ट्रेशन के पर्पज़ के ऊपर। सही है, और ये पावर सप्लाई का इतना सेक्शन है। क्लियर, अच्छा इसके बाद आ जाओ, ये आपका कीपैड के ऊपर आ जाओ। कीपैड जो आपका डिज़ाइन हुआ हुआ है वो बेसिकली 3x4 रो और कॉलम के ऊपर हुआ हुआ है। अब क्या होता है कि अगर मैं आपको हर एक बटन का एक अलग इनपुट देता है, 1 का अलग 2 का अलग 3 का अलग, तो एक प्रोग्रामिंग में थोड़ा सा डिफरेंट आ जाता है। सही, और आईओएस भी ज़्यादा यूज़ होती है, मतलब कि इस वक्त 12 बटन है तो आपकी 12 आईओएस इसके लिए अलर्ट हो जाती है कि आपको 12 आईओएस पे ये कनेक्ट करना है। सही है, तो अब क्या किया मैंने, इसको एक मैट्रिक्स डिज़ाइन से जो है वो डिज़ाइन किया है कि 3x4 का कॉलम बना दिया इसका। सही है, सही है, यानी तीन कॉलम है इसके अंदर, 4 रो हैं इसका। सही है, 4x3। अच्छा ये क्या कर रहा है कि अब अगर आपको 1 प्रेस करना है तो 1 के लिए क्या आपके मैट्रिक्स बनेगी, 1 रो 1 कॉलम। सही है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यानी आप फर्स्ट रो पे सिग्नल दोगे और वो फर्स्ट कॉलम से अगर वापसी आता है आपके पास, तो आप क्या समझोगे, आपके पास 1 प्रेस हुआ है। क्लियर, इसी तरह 2, इसी तरह 3, इन सब की रो कॉलम के हिसाब से इनकी क्या कहते हैं डिज़ाइन होगा कि कौन सा बटन प्रेस हो रहा है। प्रोग्रामिंग होगी, हाँ प्रोग्रामिंग के जरिए होगा ये रो कॉलम के हिसाब से। सही है, अब क्या होगा कि अब रो कॉलम आ गई तो इसकी क्या हो गई, 4 रो हो गई और 3 कॉलम हो गई। सही है, यानी मेरे पास 7 आईओज यूज़ होंगी। सही है, 7 आईओज में मेरे कितने, 12 बटन प्रेस हो जाएंगे। सही, क्लियर, ये समझ में आ गया कीपैड किस तरह डिज़ाइन हुआ है। सही है, अच्छा ये आपका रिले का सेक्शन है। सही है, रिले का सेक्शन आपका किस लिए था, कोई भी आपको लोड वगैरह जो था वो ऑन ऑफ करवाना था। सही, लाइटेड आप कह रहे थे कि आपने अगर अलॉट किया हुआ है एक कमरे को जो है वो 100 वाट अलॉट किया हुआ है। सही, अगर वो 100 वाट से ऊपर जाता है तो वो ट्रिप कर दे, तो जाहिर से बात है उसकी स्विचिंग के लिए आपको जो है वो एक रिले चाहिए थी। सही है, तो आपने क्या किया, 12 वोल्ट SPDT रिले यूज़ किए। सही है, 12 वोल्ट SPDT रिले क्या कर रही है, आपकी स्विचिंग करवा रही है आपके लोड की। SPDT सिंगल पोल डबल थ्रो। सही, सही है, SPDT आपने रिले यूज़ करी है। सही है, अच्छा इस रिले का ऑपरेटिंग, इस ये रिले 12 वोल्ट की है। सही है, 12 वोल्ट 150 मिली एम्पेयर इसका ऑपरेटिंग करंट है। सही है, अब क्या करना पड़ता है, अगर आप 12 वोल्ट 150 मिली एम्पेयर इसका ऑपरेटिंग करंट है, अगर आप डायरेक्ट इसको इससे ऑपरेट करवाते हैं क्या कहते हैं आर्डिनो से, तो आर्डिनो की आउट पिन का करंट जो है वो 50 मिली एम्पेयर होता है। अच्छा सही है, तो अब डायरेक्ट तो ये इससे ऑपरेट हो नहीं सकती थी। सही है, तो आपको क्या करना था, बीच में आपने क्या किया, एक स्विचिंग के लिए एक ट्रांजिस्टर लगाया। सही है, कि पीछे से जो है वो कम वो कम एम्पेयर का सिग्नल आए, आगे जो है आपका जो है वो हैवी यानी ज़्यादा एम्पेयर की चीज़ जो है वो स्विच हो जाए। पीछे से 50 mA का सिग्नल आएगा, आगे आपको 150 mA का जो है वो रिले स्विच होगी। सही है, तो आपने क्या किया, एक C945 ट्रांसटर लगाया। सही है, C945 ट्रांसटर आपका NPN ट्रांसटर है। सही है, अच्छा रिले को आपने ऑन करना है इसके जरिए, तो आपने रिले को पॉजिटिव 12 डायरेक्ट दे दिया। सही है, और ये देखो इसके तो वायर जा रहे हैं, इसके पॉजिटिव 12 मैंने इसको डायरेक्ट दिया हुआ है, नेगेटिव जो है वो एक ट्रांसटर के जरिए दिया हुआ है। सही है, ट्रांसटर किस तरह स्विच करता है बताओ,
कम का जो है वो आगे करेगा ना, डिले नहीं, करके। ट्रांसफर जो है वो बेसिकली स्विचिंग करता है इस तरीके से कि ट्रांसफर की तीन लेग्स होती हैं, एमिटर, कलेक्टर, बेस। हाँ सही है, एमिटर पे जो दोगे वो कलेक्टर पे मिलेगा, कब मिलेगा जब बेस पे पॉजिटिव का सिग्नल आएगा। ये अच्छा एनपीएन की कॉन्फ़िगरेशन है। एनपीएन ट्रांसफर नेगेटिव की स्विचिंग करवाता है, कब करवाता है जब बेस पे सिग्नल आता है। सही सही है, और एमिटर पे जो दिया हुआ होगा वो कलेक्टर पे मिलना शुरू हो जाएगा, और एमिटर पे हम नेगेटिव देते हैं एनपीएन ट्रांसफर के अंदर। सही क्लियर, तो अभी भी यही हुआ हुआ है, इसको रिले को पॉजिटिव मैंने डायरेक्ट दिया हुआ है, नेगेटिव जो है वो एक ट्रांसफर के कलेक्टर से सही जोड़ दिया, ट्रांसफर का एमिटर जो है वो मैंने ग्राउंड कर दिया। सही है, अब सही क्या बचा, बेस। बेस को सही एक रजिस्टर के जरिए मैं अपनी आईओसी ऊपर ले गया सही आर्डिनो की। सही है, अब जैसे ही वहाँ से सिग्नल आया, पॉजिटिव का सिग्नल आता है वहाँ से, तो क्या होता है आपका ट्रांसफर पे, जैसे ही पॉजिटिव आता है ट्रांसफर ऑन हो जाता है, सही है ट्रांसफर ऑन होता है तो जो एमिटर पे दिया हुआ होता है वो कलेक्टर पे मिलना शुरू हो जाता सही है। सही है, कलेक्टर पे हमें नेगेटिव मिला, नेगेटिव हमारा इसके साथ ज्वाइंट था, सही कलेक्टर इसके साथ ज्वाइंट था ना, रिले ऑन हो गई आपकी क्योंकि सही पॉजिटिव इसको डायरेक्ट दिया हुआ था। सही है, इस तरीके से आपकी रिले ऑन होती है। सही है क्लियर, अब इसमें दो ट्रांसफर लगाए हैं। सही है, दो ट्रांसफर इस वजह से लगाए कि अच्छा, दो ट्रांसफर के बीच में आपके एक PC817 भी लगा हुआ है, ऑप्टोकॉपलर। सही है, ऑप्टोकॉपलर जो है वो एक आइसोलेशन के लिए यूज़ होता है। सही है, इसके अंदर भी एक ट्रांसफर होता है और एक LED होती है। इसके अंदर जो ट्रांसफर होता है वो फोटो ट्रांसफर होता है। ये बेसिकली लगाने की वजह ये है कि जब आपका लोड आगे आपका जो चल रहा होता है, कोई मोटर वगैरह सही चल रही है या आपका कोई जो है इंडक्टिव लोड वगैरह चल रहा है, वो जब जब वो लोड ऑन होता है तो एनर्जी इसकी कॉइल से जो है वो EMF जनरेट होता है। अच्छा सही है, बैक EMF जनरेट होता है, उस बैक EMF की वजह से क्या होता है कि आपकी DC वेव्स जो होती हैं उसके अंदर डिस्टॉर्शन क्रिएट हो जाती है। सही है जब आपकी DC वेव्स के अंदर डिस्टॉर्शन क्रिएट हो जाती है तो जाहिर सी बात है आपका कंट्रोलर को जो है वो उस DC की डिस्टॉर्शन की वजह से नॉइज़ मिलती है, सही है नॉइज़ की वजह से आपका कंट्रोलर हैंग हो जाता है। नॉइस को रिमूव करनी है। हाँ नहीं, कंट्रोलर हैंग हो जाता है, तो उसको उससे बचने के लिए, उससे आइसोलेट करने के लिए, सही यानी उस नॉइज़ को आइसोलेट करने के लिए आपने एक PC817 यूज़ किया। अच्छा सही है, अब क्या होता है, नॉइज़ जो आती है वो तो वायर कनेक्शन के जरिए आती है ना, वायर कनेक्शन अगर हुए में, अब जब हम लाइट की फॉर्म में कनेक्शन कर देंगे सही एक दूसरे के दरमियान, लाइट की फॉर्म में अगर कनेक्शन हो रहा होगा तो लाइट की फॉर्म में तो नॉइज़ पीछे नहीं आ सकती। सही है सही है, तो PC817 में बेसिकली यही हो रहा है कि आपका जो कनेक्शन है वो लाइट की फॉर्म में मैक हो रहा है, एक जगह से कनेक्शन दूसरी जगह लाइट की फॉर्म में जा रहा है। मैंने आपको बताया कि इसके अंदर एक ट्रांसफर होता है और एक LED होती है। सही है इसके अंदर का जो ट्रांसफर होता है वो फोटो ट्रांसफर होता है। सही है, फोटो ट्रांसफर का वो ऑपरेट होता है जब उस LED ग्लो होती है, कोई रोशनी सही उसके ऊपर पड़ती है। हाँ सही है, अब LED, अब इसके अंदर PC817 के अंदर एक LED होती है, मैंने क्या किया उस LED को ग्लो करवाया। उस LED को ग्लो किस तरह करवाया, अच्छा इसी के देखो, एक मैंने एक और LED भी लगाई हुई है इसी के साथ कि मेरे इधर जब आर्डिनो से सिग्नल आया तो मुझे पता चल जाए हाँ इसके पास सिग्नल आ गया है। सही है सही है, इंडिकेशन के तौर पे। अब 20 mA इसका करंट और 20 mA इसकी अपनी LED का करंट है सही PC817 की, तो अप्रॉक्सीमेटली 40 mA है। सही है, आपकी आर्डिनो की आउटपुट पोर्ट से 50 mA करंट निकलता है अकॉर्डिंग टू सही डेट शीट आप अगर देखो इसे। ठीक सही है, लेकिन इसकी जो जो रियल वैल्यू जो इसकी निकलती है जो इसके अंदर है वो 30 mA है बस, अच्छा 30 mA से इसका सिग्नल नहीं होता। सही है, तो हम लोगों ने क्या किया, हम इसको अब डायरेक्ट तो इससे ये ऑपरेट करा नहीं सकते थे PC817, एक और LED भी हमने लगा, तो हमने क्या किया पहले एक ट्रांसफर लगा लिया NPN एक और। सही है सही है, एक NPN ट्रांसफर लगाया। सही है, NPN ट्रांसफर का वही कि इस LED को पॉजिटिव डायरेक्ट दे दिया, नेगेटिव जो है वो इस ट्रांसफर के जरिए दे सही दिया। है सही है, और इस ट्रांसफर की बेस जो है वो इसके ऊपर चली गई। सही सही है, अब जैसे ही इस ट्रांसफर के जरिए इस इधर से सिग्नल मेरा आया, ये ट्रांसफर ऑन हुआ, ये ट्रांसफर ऑन हुआ तो इसने इस LED को भी ऑन कर दिया और इसके अंदर की LED भी ऑन कर दी। सही सही है, तो हमें पता चल गया यहाँ इंडिकेशन आ एलईडी गया हो या LED आ गई। सही जब ये ऑन हुआ तो इसके अंदर की LED ऑन होने से क्या हुआ, इसका ट्रांसफर ऑन हो गया। सही है इसका जो ट्रांसफर था उससे हमने पॉजिटिव के स्विच करवाया हुआ है। सही सही है, इसके अंदर के ट्रांसफर से हमने पॉजिटिव को स्विच करवाया हुआ है। सही है, पॉजिटिव को स्विच क्यों करवाया है, क्योंकि इसके जो ट्रांसफर है उसकी जो आउटपुट पिन का करंट है वो 50 mA है, 50 mA। सही है, PC817 का जो ट्रांसफर होता है उसकी आउटपुट पिन 50 mA उसका करंट होता है, तो उससे भी डायरेक्ट रिले नहीं ऑन हो सकती थी। सही तो फिर मैंने क्या किया, इससे एक पॉजिटिव स्विच करवाया जिससे मैंने अपना एक और ट्रांसफर को स्विच करवाया NPN। अच्छा सही है, NPN ट्रांसफर को स्विच करवाया। सही है, पॉजिटिव इस जो स्विच हुआ वो इस ट्रांसफर के ऊपर आया, सही ये ट्रांसफर ऑन हुआ तो इसने वही नेगेटिव इसको दे दिया रिले सही को, है ये रिले ऑन हो गई, रिले पॉजिटिव आपको डायरेक्ट सही दिया हुआ था रिले को। सही है, तो अब क्या हुआ, जो सिग्नल आपका यहाँ से यहाँ आया था वो वायर फॉर्म में नहीं आया ना PC817 के जरिए, वो फोटो ट्रांसफर यानी लेजर की फॉर्म में हो गया ना, सही उसने LED के ग्लो से आपका आगे अगला ट्रांसफर ऑपरेट हुआ है ठीक ना। है सही है, यानी अब नॉइस पीछे नहीं आएगी। सही क्लियर,
तो इस तरीके से आपने क्या किया, इसको आइसोलेट कर दिया सही। PC817 के जरिए, इस तरह आपका सिग्नल आइसोलेट हो रहा है, सही है। अब इससे आपका जो है इस PC817 से एक और ट्रांसफर स्विच हुआ था, उससे आपकी रिले ऑन हो गई, सही है। रिले से आपने अपना जो भी लोड था उसको ऑन कर दिया। लाइक डेट मैंने इस वक्त जो है आपके दो बल्ब लगाए हुए, आपको एक लोड दिया हुआ है मैंने कि 100 वाट का फिक्स लोड है आपके पास, सही है। अगर वो 100 वाट से ऊपर लोड जाता है, यानी एक बल्ब आपने ऑन किया 100 वाट का लोड है, जैसे ही आप दूसरा बल्ब ऑन करते हो वो 200 वाट हो जाता है, सही तो वो क्या कर देगा, उसको ट्रिप कर देगा, सही क्लियर, सही ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आपका ये कीपैड था, कीपैड के जरिए आप एक कोड मिलाओगे, सही है। सही कोड मिलाओगे तो आपका ये जो है ये रिले थी जिसके जरिए आपका डोर लॉक सिस्टम था, सही सही है, कि डोर आपका ओपन हो जाएगा अदरवाइज लॉक बंद हो रहेगा, सही सही है। इसमें बटन की तो कोई ज़रूरत नहीं थी, आपका यही था ना, कीपैड के जरिए जो है कीपैड आप कोड डालोगे और कोड से आपका जो है लॉक ओपन हो जाएगा, ठीक क्लियर, सही सही है। ये एक रिले जो है उस लॉक को शो कर रही है, डोर लॉक को, सही है, डोर लॉक ओपन और क्लोज, और एक रिले जो है आपके लोड के लिए यूज़ हो रही है, सही लोड की स्विचिंग के लिए, सही है। अच्छा, यहाँ तक क्लियर है। ठीक ये आपका AC लोड का कार्ड है, सही है। AC लोड के कार्ड के अंदर हम लोगों ने 12x12 का एक ट्रांसफार्मर यूज़ किया हुआ है, सही है। सही 12x12 का ट्रांसफार्मर इसलिए यूज़ किया है क्योंकि सेंटर टैप ट्रांसफार्मर है ये, सही है। सही अच्छा, इसमें हमें जो है वो दो सप्लाइयों की ज़रूरत होती है, एक पॉजिटिव सप्लाई और एक नेगेटिव सप्लाई, सही है। क्योंकि हमारे पास जब करंट यहाँ से गुजर रहा होता है तो उसका हमारे पास जो आउटपुट आता है, हम लोग यहाँ पे जो आपका जो करंट गुजर रहा है वो एक इस रेजिस्टर के जरिए गुजर रहा है, एज अ शंट रेजिस्टर ये यूज़ हुई हुई है, सही सही है। अब जब इसमें से जितना करंट गुजरता है इसके अक्रॉस हमें उतना वोल्टेज ड्रॉप मिलता है, सही है। उस वोल्टेज ड्रॉप जो है वो बहुत ज़्यादा कम होता है, सही है। सही अब लाइक डेट अगर मैं आपको कहूँ कि ज़ीरो की वैल्यू को कंपेयर करो, तो ज़ीरो को कंपेयर किससे करोगे, माइनस से ही करोगे ना, अच्छा माइनस वन सही से आप ज़ीरो को कंपेयर कर सकते हो ना, सही सही। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे माइनस लगाई हुई कि मेरे पास यहाँ पे 0.0 कुछ इतनी कम वैल्यू का मेरे पास ड्रॉप आता है कि उसको मैंने क्या कहते हैं कंपेयर करने के लिए मैंने क्या लगाया है, एक 7 8 0 7 9 1 2 लगाया है और एक 7 8 1 2 लगाया है, सही। 12 वोल्ट की इसके अंदर सप्लाई यूज़ हो रही है। पहले तो आपका वही 4 डायोड लगे हुए, सही इधर से DC हुआ, सही है। DC होने के बाद ये कैपेसिटर से फिल्ट्रेशन का पर्पज़ सही हुआ, सही है। उसके बाद आपका कहाँ गया, ये इस रेगुलेटर के अंदर गया एक, जिसने 7 9 1 2 है। 7 9 का मतलब होता है आउटपुट नेगेटिव 12 वोल्ट देगा, नेगेटिव हाँ। अच्छा 7 8 का मतलब है आउटपुट पॉजिटिव 12 वोल्ट देगा, सही सही। यहाँ हमने यूज़ किए थे 7 8 0 5 और 7 8 0 8, सही मतलब ये पॉजिटिव के 5 दे रहा था और पॉजिटिव के 8 दे रहा था। सही ये पॉजिटिव का 12 दे रहा है 7 8 1 2 और ये नेगेटिव नेगेटिव के 12 दे रहा है 7 9 वाली सीरीज, सही सही है, है सही है। तो दो सप्लाइयाँ मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव की दो सप्लाइयाँ बना ली, सही सही है। अब मेरे पास से यहाँ वोल्टेज ड्रॉप आ रहा था बहुत ज़्यादा कम, सही है। ये उसको मैंने सही कंपेयर करने के लिए मैंने एक नेगेटिव की सप्लाई बनाई थी। अच्छा, ये आपकी एक IC लगी हुई है LM324, सही है, सही ऑपरेशनल एम्पलीफायर की IC है ये, सही है। इसके अंदर 4 गेट होते हैं ओपेम के, सही सही है। आपने क्या किया, आपके पास जो यहाँ से वोल्टेज ड्रॉप आ रहा था उसने आपको एक गेट से गुजारा आपने, लाइक डेट आपके पास जो वोल्टेज ड्रॉप आ रहा था वो 10 mV का आ रहा था, सही है सही है। 100 वाट के लोड के ऊपर आपके पास 10 mV आ रहे हैं, सही सही है। 200 वाट के ऊपर 20 mV हो जाते हैं, हाँ सही सही है। तो ये जो चेंजिंग आ रही है ना 10 mV से 20 mV, ये आर्डिनो नहीं समझ सकता, सही सही है। तो आर्डिनो को समझाने के लिए हमें क्या होता है कि थोड़ा ज़्यादा डिफरेंस देना पड़ता है वोल्टेज के दरमियान, सही सही है। तो वो जो 10 mV आ रहे थे उसको मैंने एक गेट से गुजारा, उसको मैंने क्या कहते हैं इंक्रीज करके मैंने उसको जो है 50 mV कर दिया, अच्छा सही सही है। 50 mV को मैंने और दूसरे गेट से गुजार के, इस तरह 4 गेट से गुजारने के बाद मैंने उसको ऑब्टेन कर लिया 100 mV, सही सही है। 100 mV मैंने उसको ऑब्टेन कर लिया, क्लियर। एक 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 गेट से गुजारने में आपको कितना तो लगा, इसके फिफ्टी अंदर जो रेशो लगा हुआ है वो 10 का गेन सेट हुआ हुआ है, सही सही है। यानी 10 mV है तो उसको मल्टीप्लाई बाय 10 कर दो, 100 आ सही गया, है सही है। इस तरीके से 100 mV का चेंज आ रहा है, सही सही है। है। अच्छा, उसमें जा कितने रहते हैं, 10 जा रहे हैं इसमें जो है पीछे से जो है आपके पास जो है वो अगर 100 वाट का हम लोग लोड करते हैं तो उसके ऊपर हमें जो है वो 0.4 mV इस तरीके से मिलता है, सही सही है। तो वो बहुत ज़्यादा ही कम होता है, सही है। वो तो मैं जब, तो इस वजह से क्या किया हमने इसको एम्पलीफाई किया, सही है। एम्पलीफाई करने के बाद मेरे पास आउटपुट पे जो है 100 वाट के ऊपर जो है अप्रॉक्सीमेटली मुझे आ गया 100 mV, सही सही है, 100 mV आ गया। अच्छा, उससे आगे मैंने क्या किया कि एक अपनी LM358 लगाई है,
ये भी ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, इसके अंदर दो गेट होते हैं, 324 के अंदर चार गेट होते हैं, 358 में दो गेट होते हैं, सही है। इसका मैंने एक गेट यूज़ किया हुआ है, सही 358 का हमने एक गेट यूज़ किया है, उस गेट से हम लोगों ने क्या किया है, एक कंपैरेटर बनाया है, सही है। यानी कंपैरेटर इस तरीके से हम लोगों ने बनाया है कि हमने जो है वो गेन सेट किया है एक तरीके से, कि हमारे पास जब 100 वाट का लोड यहाँ पे चलता है तो हमारे पास 100 मिली वोल्ट आ रहे होते हैं यहाँ से, तो हम लोगों ने क्या किया है उसको सेट करके 4.5 वोल्ट पे किया है, सही है। 0.5 वोल्ट के ऊपर हम ले आए हैं उसको, इसलिए कि हमारे पास एक लॉजिक बन जाएगी कि अगर 100 वाट का लोड चल रहा है तो उसके पास, उसके ऊपर मेरे पास 0.5 वोल्ट आएंगे, सही है। यानी 200 वाट का चलेगा तो उसके ऊपर एक वोल्ट आ जाएगा, सही है। डिफरेंस ज़्यादा बन गया, आसानी से समझ में भी आ जाएगा, सही है। कंट्रोलर के लिए भी ईजी होगा, सही है, ज़्यादा डिफरेंस, सही है। तो अब ये जो वेरिएबल लगा हुआ है 100 गीगा 104, ये इसीलिए लगा हुआ है कि आप इससे इसके गेन सेट करते हो, सही है। आउटपुट गेन सेट करते हो कि 100 वाट के ऊपर 0.5 वोल्ट, इस वक्त जो सेट हुआ हुआ है वो यही सेट हुआ हुआ है, सही है। 100 वाट के ऊपर 0.5 वोल्ट सेट हुए हैं, क्लियर। इस सर्किट में आपका सिर्फ यही काम हो रहा है, बस बस, और तो कुछ है नहीं। और ये LCD है आपकी, 16:2 LCD लगी हुई है, सही है। LCD पे जो है आपका डिस्प्ले हो रहा होगा ना, कि आप कोड जो मिलाते हो वो कोड जो है वो LCD के ऊपर ही डिस्प्ले होगा ना, कि आपने जो कोड मिलाया है, सही है। अदरवाइज जो है अगर वो रॉन्ग होगा कोड तो LCD के ऊपर ही एरर आएगा रॉन्ग कोड का, सही है। LCD आपकी 16:2 LCD यूज़ हुई है, 16:2 मतलब कि आपके इसके अंदर 16 कॉलम होते हैं और 2 रो होते हैं, सही है। 2 रो मतलब एक वन लाइन के अंदर आपकी जो है वो 16 करेक्टर प्रिंट हो सकते हैं, यानी टोटल 32 करेक्टर प्रिंट हो सकते हैं। भाई आर्डिनो कौन सी यूज़ की? आर्डिनो मेगा 2560 आपने यूज़ किया है इसके अंदर। इसकी पोर्ट्स के बारे में, किसकी या, यार इसकी जो है वो अप्रोक्सीमेटली 26 के करीब इसकी डिजिटल आयोज होती हैं, और इसकी 16 जो है इसकी एनालॉग इनपुट होती हैं, सही है। एनालॉग जो है इनपुट इसकी 16 होती है, एनालॉग में आपके पास जो है इस वक्त जो है ऐसी लोड आ रहा है। इसको पावर यहाँ से कहाँ से मिल रहा है? इसको ये मिल रहा है ना पावर, ये वाला मिल रहा है, सही।